ठा ज्ञान ध्यान कहाँ लावे, थारा ज्ञान एक आने का नहीं, फिर को ढाई घंटे सुबह बैठो ढाई घंटे शाम पता खा के बैठोगे, जीवन बर्बाद करन लग रहे, हजार हजार वर्ष बैठ के नो घुघू बन के किसी ने कुछ ना पाया, तुम्हारा ध्यान कुछ भी साधना को ना, वो तो कम से कम सीधा मंत्र तो ओम का जाप करते थे, उससे भी कुछ लाभ होता है, ये 36 अड़ंगे दे दिए रंकार और ज्योत निरंजन गति सीधे काल के छाती हमारे टक्कर हैं, और फिर अलकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष ये सारे का वेद के वो परमात्मा का मंत्र न्यारा है, और वो ये है बस, और दूसरा मंत्र है नहीं है। अब देखना फिर ये गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 आप पढ़ोगे, ये 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र है। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले यानी परम अक्षर ब्रह्म तो समझो उस संसार रूपी वृक्ष के उल्टे लटके हुए की वो जड़ है मूल है, और अध शाखम ये गलत अनुवाद कर रखा ने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, अरे वाह, अध माने नीचे होता अध, ये देखो अध अध इस दूसरे श्लोक में 15वें अध्याय के में मूल पाठ में 2 बार अध लिखा, इन्होंने इसका अनुवाद यहाँ लिखा है, सही किया है ये, जहाँ ये विचलित नहीं हुए वहाँ तर्थ ठीक कर दिए, अध माने नीचे और अध माने नीचे, अध माने नीचे और अध माने नीचे, तो यहाँ लिखना था ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष है जो अविनाशी कहा गया है, और छंदासी यस्य प्रणानी उसके भाग विभाग, छंद माने टुकड़े विभाग पत्ते आदि उसके वो विभाग हैं, और ये तम वेद जो उसको जानता है इन सब विभागों को स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, तो यहाँ है आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले यानी ऊपर जड़ तो आदि पुरुष परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म समझो और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत समझ लेना। अब दूसरे में कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और त्रिक आदि योनि रूप शाखाएं हैं, ये विषय पर वाला यानी विषय वकारों की समझो तीनों गुण रूपी शाखा हैं, वो नीचे और ऊपर ये फैली हुई है, मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधन की भी ये मुख्य कारण है, ये मुख्य मूलानी यानी मुख्य कारण है जो नीचे और ऊपर फैली हुई है व्याप्त हैं, सभी लोकों में नहीं है, ये पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग लोग नीचे पाताल लोग, अब हम यहाँ कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि तीनों गुण रूपी शाखा या तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है, ये दूसरे श्लोक में अध च ऊर्ध्वम प्रसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय पर वाला अध च मूलानी अनुसंततानी कर्मानुबंधनी मनुष्यलोके उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा ये शाखाएं हैं, तो ये गुण क्या है रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, देखिएगा मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मार्कंडेय पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सुचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके 120 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, 123 पृष्ठ पे और संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण
मार्कंडे जी बोले, ये मार्कंडे जी का प्रकरण चल रहा है जो ज्ञान दे रहे हैं, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। अब तीन गुण कहो चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, होगा कंसेप्ट क्लियर। और बताते हैं, ये श्रीमद देवी भागवत खेम राज कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से छपी, मुंबई से, ये देखिएगा प्रथम भाग है ये। अथ देवी भागवतम सभाष्टेकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4। अब हम इसके तीसरे सकंद में आते हैं, इसमें संस्कृत भी साथ है। ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब हम इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं। ये 11 पृष्ठ है और तृतीय सकंद है अध्याय नंबर 5 का, यहाँ श्लोक नंबर 8वां हम पढ़ेंगे। ये 7वां यहाँ समाप्त हो गया और 8वां ये भगवान शिव बोल रहे हैं, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए हैं, युक्त किए हैं क्यों किए हैं। अब यहाँ तो हिंदी पर डीप संस्कृत पढ़ेंगे, ये देखो ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां हम संस्कृत भी पढ़ेंगे साथ में। यदि दया धर्मनान सदाम्बिके कथम अहम विहित है, भगवान शंकर कहते मैं क्यों बना दिया तमोगुण और कमल जय यानी कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों बना दिया और सुवितय केमो सतोगुण हरि विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब ये आसानी से समझ में आ जाएगी आपके ये पवित्र सदग्रंथ के यहाँ, क्योंकि ये कोड वर्ड हैं, ये वो मंदिर वाली वो 14 है चांदनी 14 समझ लो और गुम्बज में लिख रखा है वो था जमीन पर फोड़ें गुम्बज से, ये उठपटांग बना रहे इनके अर्थ, जैसे अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया इन्होंने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, अरे तेरा गजब हो वो ये कर दिया गुम्बज फोड़न लायक गए ये। अब यहाँ देखो वही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का और अब श्लोक नंबर 2 पढ़ेंगे हम, अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 2। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप हैं, ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखा हैं, रूपी शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं, बस इतना ही काफी समझे। अब तीसरे में क्या कहा है, 15वें अध्याय के में गीता ज्ञानदाता कहता है इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ नहीं पाया जाता। यहाँ विचार काल में वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, यानी तेरे और मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं तुझे इस संसार रूपी वर्ष का के बारे में नहीं बता सकता। इसके सभी विभागों को तो तत्वदर्शी संत बतावेगा, उनसे पूछो। यहाँ सिर्फ इसने क्या बताया, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है, बाकी जो उसके तत्व उसके सभी विभागों को बता देगा स वेदवित। ये 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक में बताया है कि उससे पूछो, वो तो वो वेदवित है, वो बताओगा इसके सब छंदासी यस्य प्रणानी यतम वेद स वेदवित। तो यहाँ इसने सिर्फ इतना बताया कि यहाँ तेरे मेरे विचार काल में, अब ये तीसरे में 15वें अध्याय का,
इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, यानी तेरे मेरे डिस्कशन में मैं नहीं जानता, नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इसका मुझे आदि और अंत का अच्छी तरह ज्ञान नहीं, कोई स्थिति नहीं है। इससे तेरे लिए इसलिए इस सो विरुद्ध मूलम, इस अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं अति दृढ़ यानी ऊपर दृढ़ जो है वो स्थाई रूप में सनातन स्थान है और सनातन परमात्मा है, वो शाश्वत स्थान है, वो दृढ़ है, वो कभी नाश में नहीं आता। अति दृढ़ मूल वाले यानी जिसके ऊपर जड़ जो रूपी भगवान पुरुष की समझो वो ऊपर का पोर्शन है, वो अविनाशी है। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को इस दृढ़ असंख्य शस्त्रेण का अर्थ है यहाँ पर तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, वैराग नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात चौथे में उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जहाँ जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष को रचा है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का ही परपधे उसकी पूजा करो। इसे सिद्ध हो गया गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी की बता रहा उसी की पूजा करो। अब 15वें अध्याय के 16 और 17 में ये 15वां अध्याय चल रहा है और 16 और 17 ये 16 है। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सरे च अक्षरे एव च सरे सर्वाणी भूतानि कटुस्ते अक्षरे उच्यते। इसका अर्थ है कि संसार इस लोक में, कौन से लोक में, ये पृथ्वी वाला लोक है जो परब्रह्म के इस ब्रह्म के तो 21 ब्रह्मांड और इस सरपुरुष के और अक्षर पुरुष के 7 संघ ब्रह्मांड, ये एक ही पृथ्वी वाला लोक कहा जाता है। इस लोक में दो परमात्मा हैं, दो पुरुष हैं, दिवौ दो इमौ मन इन लोके मन संसार वृक्ष में इस लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इस पुरुष को पुरुषों को हम यहाँ भी लगा सकते हैं सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके लोकों में सर्वाणी भूतानी सब प्राणी नाशवान हैं और आत्मा अविनाशी सभी की है ये कही जाती है। इनका अनुवाद देखिए, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, प्रभु हैं। देखिएगा इस संसार में नाशवान यानी सरपुरुष और अक्षर पुरुष कहो, इनको सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रकार के हैं, यानी दो प्रकार के पुरुष यानी भगवान हैं, सरपुरुष सर और अक्षर, सरपुरुष और अक्षर दो प्रभु हैं। और इनके सर्व संपूर्ण इनके लोक में इनकी भी स्थिति कठी बताई है, संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब 17वें में कहा तुरंत ही उत्तम पुरुष है तू अन्य, ऊपर वाले इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष अक्षर पुरुष से, और परमात्मा इति उद्धारते उसको परमात्मा कहते हैं कहा जाता है। और ये लोकतरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमात्मा है। अब जड़ से सबको आहार मिलता है, उत्तम पुरुष है तू अन्य यानी वो श्रेष्ठ परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है, कहा गया है। अब यहाँ शंका हो जाती है, जैसे 18वें अध्याय में गीता ज्ञानदाता कहता है कि क्योंकि मैं नाशवान वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी मैं उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यहाँ देखिए अस्मि अत अस्मि लोके वेदे लोक वेद में च प्रथित पुरुषोत्तम अपुनात्मो, ये तत्व ज्ञान है, कोड वर्ड है, इनको समझना तत्वदर्शी संत बिना बिल्कुल असंभव था। परमेश्वर ने दया करी इस दास के ऊपर
और ये ज्ञान समझ में आ गया हमारा। अब ये क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं उत्तम हूँ, इनसे श्रेष्ठ हूँ, इनसे तगड़ा हूँ, इसलिए मैं लोक वेद में, इस लोक में और इस लोक वेद के आधार से, लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा यानी जो सच्चाई से दूर हो, कि इस कारण से मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितनी आत्मा से आत्मा है तो वो शरीरधारी प्राणी है, उनसे वो मेरे अंतर्गत हैं, उनका मैं कंट्रोलर हूँ। लेकिन वो तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष का कोई और ही है और वही तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। प्रसंग चल रहा था कि क्योंकि पुणात्मा जहाँ से सत्संग प्रारंभ हुआ था वहीं लाना है कि अब हम गीता जी के जैसे 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्परम, जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिसके विषय में आपने कहा है, ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर, ये देखो 8 का, अब ये 13 नंबर में क्या कह रहा है मंत्र में 8वें में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। अब माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ये ओम एक अक्षर है बस यही, और व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमन माने स्मरण करता हुआ, ये प्रयाति तदंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है सयाति परमाम गति, अंडरस्टूड है कि जो ओम नाम के जाप से जो गति मिलेगी वो परम गति इस ओम तो होगी और वो ब्रह्म लोक प्राप्ति है। अब 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में देखिएगा कि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं, इन्होंने यहाँ टिप्पणी की है स्टार से नीचे, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे पुनरावर्ती कहते हैं। तो यहाँ ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में फिर आना पड़ेगा तो पूर्ण मोक्ष नहीं वैसे। अब यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत किया है कि कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहाँ इसका मूल संस्कर देखो, अब्रह्म भूनाथ लोका पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपेत तू कौनते पुनर्जन्म न विदते। यहाँ इसने अगर ये हम इनके अनुसार कहें कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 गलत सिद्ध हो जाते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4, ये 5 श्लोक है, ये अध्याय नंबर 4 का, हे प्रणतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता उन सबको मैं जानता हूँ। 9वें में क्या कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है, ये है अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12, ने तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, यानी हम पहले भी थे आगे भी जन्म होगा आपका हमारा, क्योंकि यहाँ फिर 17वें श्लोक में कहा है कि नाश रहित तो उसको जान, नाश रहित तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत दर्श वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, यानी कोई और है गीता ज्ञानदाता से, वो अविनाशी है। अब यहाँ 4थे अध्याय के आपने पढ़ दिया, बिल्कुल स्पष्ट कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, ये 4थे अध्याय का 5वां श्लोक, मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, और 9वें में भी ऐसा। फिर 10वें अध्याय का 2रे श्लोक में इसने कहा कि अर्जुन मेरे जन्म को ये नहीं जानते देवता लोग। अब देखो ये दूसरा, मेरी उत्पत्ति यानी जन्म को
और यानी लीला से प्रकट होने को देवता लोग, न देवता लोग जानते हैं और न मैं ऋषि जानते हैं, क्योंकि मैं इन सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का अधिकारण हूँ। यानी ये देवता और मैं ऋषि मेरे से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये मेरे जन्म को नहीं जानते, मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। इसी से इसका जन्म भी हुआ है तो ये दास बताएगा, क्योंकि पिता की उत्पत्ति को पुत्र संतान नहीं जानती, दादाजी बताता है। तो कबीर परमेश्वर हम सब के परम पिता, उन्होंने आके बताया है। तो अब जो कंसेप्ट ये जो क्लियर कर रहा है दास, आठवें अध्याय का 16वां श्लोक ये देखिए। यहाँ ये कहना, अनुवाद करना कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, परंतु कुंती पुत्र मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है। इस कारण देखिएगा कि आप ब्रह्म भुवनाथ लोक का पुनरावृत्ति न अर्जुन, यानी सब ब्रह्म लोक तक सभी पुनरावृत्ति में है, वहाँ गए प्राणी भी वापस आते हैं। और जो ये नहीं जानते, न विदते माम उपेत, तू मुझे प्राप्त हुआ परंतु मेरे प्राप्त वालों का भी पुनर्जन्म कौनते पुनर्जन्म है, न विदते, जो नहीं जानते, जो ये बात नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी वो ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, ये नहीं जानते, तो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म होता है, न विद माने जानना भी होता है, एक अक्षर का केवल एक करट्टा नहीं होता, ये कोड वर्ड, ये बहुत ही गहरे शब्द हैं। अगर इसका ये अर्थ माने तो वो तीन श्लोक गलत हो जाते हैं गीता जी के, ये इनका अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने। तो अब हम आते हैं अपने आठवें अध्याय के प्रथम श्लोक में। आठवें अध्याय का प्रथम, आपने तेरहवां पढ़ लिया, अब प्रथम, आठवें अध्याय का ये प्रथम श्लोक है। प्रथम श्लोक अर्जुन पूछता है किम तत् ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। अब यहाँ देखिएगा बिल्कुल साथ में, ये तीस में आठवां सातवां अध्याय के 30 मंत्र हैं, ये यहाँ समाप्त हो जाता है। अब देखो ये बना रहे इसका रेल, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ये गुम्बज फोड़निए थे सारे, ये देखो। अब यहाँ देखना, अब 30 और 29 में क्या प्रश्न किया है, क्या ज्ञान दिया है गीता ज्ञानदाता ने, कि जो मैंने तुम्हें ज्ञान बताया है कि तत्वदर्शी संत की खोज करके फिर तत्व ज्ञान समझो, तो ये कहता है कि मेरे जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है। ये सातवें अध्याय का ये 29वां मंत्र है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेगा जो, कि भी तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, फिर वो जरा मरण मोक्षाय यतंती, ये जो मेरे ज्ञान के आश्रित होकर तत्वदर्शी संत को प्राप्त करके वो केवल जरा और मरण से मोक्ष माने छुटकारे का ही यतंती प्रयत्न करते हैं, और ते वो कौन करते हैं, ते ब्रह्म विदु तत्, ते ब्रह्म तत् विदु, यानी उस तत् ब्रह्म को विदु माने जानते हैं, कृष्ण माने सारे दातम को, कर्म से अखिलम और सब कर्मों से परिचित है, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत् ब्रह्म, तत् माने उस ब्रह्म माने ब्रह्म को, यानी तत् ब्रह्म को, तत् ब्रह्म संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, और जो पुरुष अधिभूतम अधिदेव सहित तथा अधियज सहित सब का आत्मरूप मुझे अंतकाल में जानते हैं, तो वो मुझे ही जानते हैं, कि जो उस परमात्मा तत्व ज्ञान समझ कर उसको समझ गए हैं वो, तो उसको समझ कर फिर छुटकारा चाहते हैं, और जो केवल सब कुछ मुझे मानते हैं वो केवल मुझे ही जानते हैं, यानी वो गलत गाइड हैं। अब आठवें अध्याय साथ ही है, ये आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछ लिया फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर दिया आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में। आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में
कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। अपनात्मा पांचवें श्लोक में कहा है कि जो आठवें अध्याय के पांचवें श्लोक में कहा है कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मदभावम, ये मेरे साक्षात रूप को नहीं, मदभावम याति, मेरे भाव में वो को प्राप्त होता है, वो मेरे उसकी आस्था बनी रहती है, इस में संशय नहीं है। अब छठे में तो ये कहा है कि ये एक नियम है कि जो जो व्यक्ति अंत समय में जिसका भी सेवन करता हुआ, सातवें में छठे में कुंती पुत्र अंत काल में जिस जिस भी भाव को सेवन करता हुआ शरीर का त्याग करता है तो उस ही उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से वो भावित रहता है। अब सातवें में कहा है कि इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, यानी मेरा स्मरण भी कर युद्ध भी कर और मुझे अर्पण किए हुए मनबुद्धि से हो निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त होगा। अब आठवें में कमाल कर दिया, परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ है अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, यानी तत्वदर्शी संत से जो विद्वान पुरुष जो पुण्यात्मा वो समझदार व्यक्ति उसकी उस साधना करते हैं ना अन्य गामिना अन्य कहीं ना जाने वाले चित से जो परमम पुरुषम दिव्यम यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना करते हैं वो उसी को प्राप्त करते हैं। यहाँ देखो अनुवादिनी का आठवें अध्याय का ये पार्थ आठवां मंत्र, हे पार्थ यह नियम है परमेश्वर के ध्यान नहीं अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास का अर्थ है उसके सिमरण करना, योग यानी भक्ति का, उस भक्ति सत भक्ति जो संत बताओगा उसका अभ्यास करता हुआ योग से युक्त यानी उस साधना से लगा हुआ दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से यानी किसी और में आस्था नहीं रखे निरंतर चिंतन करता हुआ उस परम दिव्यम पुरुष याति, उस परमम दिव्यम पुरुषम याति, उस परम पुरुष मूल परम आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। और नौवें में उसका संकेत भी कर दिया, कव्यम पुराणम अनुशासिताराम अणो अण्यांसम अनुसमर्तेय सर्वज्ञ सर्वस्य धाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमस्य प्रस्तात, अज्ञान रूप अंधकार में वो बहुत दूर है उसको नहीं जानते, वो आदित्य रूप वर्णम यानी सूर्य की तरह तेजो में साकार है और कव्यम है वो कव्यम। ये तो अब चैप्टर दूसरा लंबा बन जाएगा, इसको नहीं छेड़ते, इतना ही लेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ कवियम कबीर, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्रता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप और सूर्य के सदृश चेतन नित चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे यानी जो उसको कुछ नहीं जान कोई नहीं जानता वो सचिदानंद घन परम परमेश्वर का श्रवण करता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से बरकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार सतीत करके फिर, अब योग बल का अर्थ होता है भक्ति की शक्ति से जो साधना तुम करोगे उसमें वो जैसे टायर में हवा भर जाती है नो भर जाएगी आपकी आत्मा में, उस भक्ति की शक्ति के से योग बल से बिरकुटी के माध्यम प्राणों को यानी श्वासों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस परम उस दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है यानी परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। तीन श्लोकों में लगातार उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी दी है। अपुण्य आत्माओं अब ये निष्कर्ष निकल रहा है श्रीमद् भगवद गीता का सार आपके समक्ष आ रहा है। पहले गीता सार क्या बताया करते, अर्जुन तेरा क्या जाता है, तू क्या लेकर आया था, आत्मा तो अमर है तू क्यों चिंता करता है बता, यो सार था गीता जी का तो यो सार है जो दास बता रहा है। वो तो मीठी गोली थी जो मुँह में दे देते तो उसे जाते भूल जाते सब हुआ भाई। देखो अब आपको दिखाते हैं
अब गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। ये देखिए, वैसे 18 में जाए के और भी बहुत से प्रमाण है, 47 में भी यही प्रमाण है और इस 61 में भी यही संकेत है कि अर्जुन शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से कर्मानुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अब इसी से देख, कोई और परमात्मा है अंतर्यामी, कोई और परमात्मा है। अब 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसके बारे में मैं अब कह रहा हूँ, यानी 61 में जो कहा है और जो पहले बता चुका हूँ, परम अक्षर ब्रह्म, उसकी उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू, उस परमात्मा की कृपा से ही तू, दो बार लिखा है, उस परमेश्वरी की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये तो अपने इसने बता दिया गीता ज्ञानदाता ने। अब 63वें श्लोक में आइएगा, अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 63। इस प्रकार यह गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, गोपनीय से भी अति गोपनीय, गुहात गुहात्रम कति, यानी गीता का ज्ञान बता दिया तेरे ताई, तुझे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार ले कर, जैसा चाहता है वैसा कर। अब देखो 64 में फिर कहा, ओहो सर्व गुहतम सभी से गुप्त, संपूर्ण गोपनीयों से व्यति गोपनीय, मेरे रहस्य युक्त वचन को फिर सुन, फिर सुन, तू मेरा अति से प्रिय है। इन इष्ट का अर्थ कर दिया प्रिय। अब यहाँ देखो फिर, सर्व गुहतम भूय शरणो में परम वचन है, अब फिर सुन मेरे और इससे कति सब तो गुप्त वचन बताता हूँ। इष्ट में ऐसी दृढ़मिति तत्वक्षामि ते हितम, इष्ट माने मेरा पूज्य देव है, आसी माने है, दृढ़ माने कति नो डाउट, इति माने यही जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको 62 में श्लोक में, वो मेरा इष्ट देव है और ये तेरे हित में कहता हूँ, तेरी समझ में आ जाता उसकी ट्राई कर ले, पर मैं ना जा बता सकता उसके बारे में है। अरे इन्होंने इष्ट कार्य कर दिया प्रिय, जब ये गुप्त से गुप्त यू पहले बता दिया, यू बताना था तो मेरा प्रिय है, के बताओगा वेद बता, और कौन से बताएगा। अब इससे बता दिया कि युक्त यू बता दिया कि गोपनीय से गोपनीय, गुप्त से गुप्त, ये कहता सबसे गुप्त और बताऊँ एक सबसे गुप्त, ये मेरा इष्ट देव है, इष्ट सी में दृढ़। अब यहाँ 65 में मैं कहता 18 अध्याय के में, अब मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरी शरण में रहना है तो मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे प्रणाम कर नमस्कारु, ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझे सत प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। बिल्कुल ठीक है। अब फिर 66 में फिर निर्णय दे दिया कि उसकी शरण में जाना है, क्योंकि ये लास्ट आ गया, कति क्लियर हो गया, सर्वधर्मान प्रीतज माम, मेरे सतर की सब धार्मिक पूजाएं मुझ में छोड़, मुझे दे दे, एकम शरणम व्रज, व्रज माने जाना होता है, इन्होंने अनर्थ कर दिया, आना कर दिया बगैर ज्ञान के, गुमज फोड़ डाले इन्होंने, एकम माने सर्वशक्तिमान, जिसके बराबर दूसरा ना हो उसकी शरण में व्रज माने जा, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामी माँ शुच, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। इन्होंने क्या किया है, संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा, सर्व मुझ सर्वशक्तिमान, माम के आगे कितनी उपमा ला दी, माम माने मुझ, मेरी शरण में आ जा, इतना कहना, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा।
आ जा वर्धमाने आ जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन तो कह रहा है मैं आपकी शरण में हूँ। दूसरे दया का सातवां श्लोक, ई बता खा किसकी शरण में आण की कहेगा यो। ये तो पहले डिक्लेयर कर चुके हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ। ये दूसरे दया का सातवां श्लोक देखिएगा। कार्यता रूप दोष से अपहत हुए स्वभाव वाला धर्म के विषय में महोचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधक निश्चय कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। मैं तो आपकी शरण हूँ, मैं आपके पहले मैं आपका शिष्य भी हूँ और आपकी शरण हूँ मैं पहले से ही। ईब के कर मेरी शरण में आ जा तो अपने आत्माओं। अब इन्होंने वर्ज माने जाना कर दिया क्योंकि ये तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, इन्होंने गुम्बज फोड़ दिए। वस्तु कहाँ खोजे कहाँ किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले ले साथ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहेब कबीर देव जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जो सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार हैं वो कबीर साहेब हैं, कबीर देव जी हैं। ये कौन से कबीर जी हैं जो कलयुग के अंदर विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से चलकर अपने सनातन परम धाम से, उस मुक्ति धाम से चलकर यहाँ काल के लोक में पृथ्वी लोक पर आए और एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर वो परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए, एक छोटे बालक का रूप धारण करके वहाँ पर कमल के फूल पर विराजमान हो गए। वहाँ से एक निसंतान दंपति जुलाहा दंपति नीरू और नीमा जो सुबह सुबह स्नान करने के लिए गए थे परमात्मा को वहाँ पा करके बड़े खुश हुए, अपने घर ले गए। अब जुलाहा व्यवसाय करने वाले परिवार में परमात्मा लीला में बड़े हुए, धीरे धीरे जुलाहे का कार्य करने लगे क्योंकि वो परमात्मा तीन सतीथी से पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहा है। एक शरीर में एक रूप में वो सतलोक में रहते हैं, सथाई रूप में जिनका एक रोमकूप की रोशनी करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उससे भी अधिक है, इतना तेज है, इतना नूर है, इतना प्रकाश है प्रभु का के शरीर का। और दूसरी सतीथि उनकी है कि वो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में एक ऐसा जीवन लीला करके जाते हैं जैसे एक जन साधारण जन्म लेता है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर अपना कार्य करके अपना जीवन निर्वाह करता है। तो परमात्मा जन्म तो नहीं लेते लेकिन शिशु रूप धारण करके वहाँ प्रकट हो जाते हैं। वो इसलिए लीला करते हैं कि मेरा अनुसरण करके सभी भक्त अपना जीवन ऐसे सुचारू करें, ज़्यादा इस माया के पीछे ना पड़े, परमात्मा पर विश्वास अधिक करें। जिन व्यक्तियों के साथ परमात्मा का पंजा हो जाता है तो ये माया उनके साथ रहती है, वो परमात्मा के आज्ञा से ही सब कार्य करती है। तो हम इस बात को भूलकर हम माया को ही
ज़्यादा चाहने लगे भगवान भूल गए। फिर परमात्मा ने ऐसी लीलाएं करके दिखाई कि मैं बिल्कुल गरीब व्यक्ति हूँ और मैं परमात्मा की भक्ति करता हूँ, ऐसी लीला की, क्योंकि स्वयं मालिक थे, हमारे लिए एक एग्जाम्पल कोड करना आए थे। और फिर ऐसी कोई आपदा आई, 18 लाख व्यक्ति वहाँ परमात्मा के द्वार पर आ गए और किसी ने झूठी चिट्ठियाँ डाल दी थी कि कबीर जी भंडारा करेंगे, तो परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया केसो बंजारे का और 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया भोजन ला करके वहाँ 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन करा दिया। परमात्मा इस लीला से ये हमें दृढ़ करना चाहते हैं कि तुम यदि भगवान पर विश्वास करोगे, तुम्हारे ऊपर आने वाले जितने भी कोई संसारिक कार्य होंगे, विवाह होगा या कोई आपने मकान बनाना होगा या कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी बनानी होगी और उसकी आवश्यकता होगी, व्यर्थ में नहीं, तो परमात्मा आपकी ऐसी मदद कर देगा यदि तुम विश्वास भगवान पर रखोगे और 2 नंबर का काम नहीं करोगे, परमात्मा पर विश्वास रखोगे, नेक नीति से निर्वाह करोगे, तो परमात्मा ऐसे मदद करेगा। परमात्मा कहते हैं कि कल्पे कारण कौन है कर सेवानी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अपने आत्मा आप निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रहे हो, दान धर्म भी कर रहे हो, और भगवान का काम कहाँ होता है? वैसे तो पल पल में उसी के सहयोग है, लेकिन हमें पता कहाँ लगता है भगवान के सहयोग का? जैसे आपका बालक या आपका कोई परिवार का सदस्य या स्वयं आप कहीं जा रहे हो, दुर्घटना हो जाती है, तो वहाँ धनी का काम होता है, वहाँ पर रक्षा भगवान के बिना कोई नहीं कर सकता, ना भाई कर सकता, ना बहन कर सकती, ना कोई और जिसकी हम आड़ ले करके भगवान भूल जाते हैं, कोई समर्थ, कोई बड़ा जिसको हम माया का धनवान मानते हैं, या कोई राजनेता अधिकारी की हम आड़ ले करके भगवान भूल जाते हैं, तो वहाँ हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, वहाँ धनी का काम होता है। तो परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं कि कल्पे कारण कौन है तू कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से पूजा कर भगवान की, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। जब मेरे से काम पड़ेगा, जब पड़े धनी से काम, तो आपकी वो मदद करेगा। तो पुण्यात्माओं, ये वो परमात्मा 3 सतीथि से अपनी लीला करते हैं शरीर में। अब दूसरी सतीथि है उनकी कि वो एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। नीरू और नीमा बहुत नेक आत्मा थे, निस्वार्थी थे, केवल अपना रोजी रोटी ही तक अपना धंधा करते थे, बाकी का पैसा धर्मपुर में लगा देते थे, जुलाहे का जो कार्य करके जो बुनाई का पैसा मजदूरी आती थी उसको जितना आवश्यक था दोनों को उतना रख लेते थे, बाकी का धर्म भंडारा कर देते थे। तो ऐसी नेक आत्माओं को परमात्मा मिलते हैं और उनको आगे भक्ति के लिए अग्रसर करते हैं, दृढ़ करते हैं। और उनका मूल उद्देश्य ऐसे आने का क्या होता है कि अपने तत्व ज्ञान को जो पूरे विश्व में समाप्त हो चुका होता है, यथार्थ ज्ञान को पुनः स्थापित करते हैं, पुनः प्रदान करते हैं, और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका वो परमात्मा स्वयं ही करते हैं। तो उस परमात्मा की तीसरी सतीथि उनकी क्या है? जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 8 और 9 में कहा कि इसमें कहा है कि परमात्मा 3 प्रकार के मधुर यानी सुंदर शरीर, सुखमय शरीर या दूसरों को सुख देने के लिए 3 प्रकार से शरीर में लीला करता है। तो तुरंत ही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में कहा है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है
उस समय उनकी परवरिश की लीला कंवारी गाय से होती है। कंवारी गाय दूध देती है तब वो भगवान पीता है। ऐसा ही हुआ था, कबीर भगवान जब आए थे 25 दिन के हो गए थे, कोई दूध जलपान नहीं कर रहे थे, अधु रूप बनाकर प्रकट हुए और परमात्मा से उनकी वार्ता हुई। जब 25 दिन के बालक से, 25 दिन का बालक बोल रहा है, नीरु नीमा अचंभित हो रहे हैं। तो कहने का भाव यह है कि तब परमेश्वर ने कहा था शिव भगवान से, शिव जी से, कि आप इनसे कहो कि कुंवारी गायें लावे और वो आप उसके ऊपर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देना, वह दूध दिया करेगी, तब दूध पीऊँगा। तो ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही वेद प्रमाण देते हैं, ऐसे परमात्मा की लीला बताते। तो ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, ये कबीर देव जी हैं, कबीर साहब जी हैं, जो बनारस में एक जुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष तक रहे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। सन 1398 में परमात्मा सतलोक से आकर यहाँ प्रकट हुए थे शिशु रूप में, और सन 1518 में 120 वर्ष तक यहाँ अपना प्रचार करके, और जो परमात्मा लीला किया करता है सदग्रंथ बताते हैं, वो लीला वही भगवान करता है, अन्य नहीं कर सकते। उनकी जीवनी में, उनकी जीवन लीला में कहीं पर भी ऐसा प्रमाण नहीं है जो वेदों से मेल खाता हो। केवल कबीर परमेश्वर जी की वो लीलाएं हैं जो उन्होंने 600 वर्ष पहले यहाँ की, वो प्रत्येक युग में ऐसा करते हैं जो वेदों से मेल खाती है, और वेद भी यही गवाही देते हैं। और तीसरी प्रकार का वो लीला करते हैं कि कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, और अच्छी आत्माएं, जो पुण्य आत्मा हैं, जो उनको मालूम है भगवान को कि ये आत्मा मेरे इस मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको मिलते हैं और उनको अपनी महिमा से परिचित कराते हैं, उनको अपना सतलोक दिखाते हैं, और सभी ब्रह्मांडों को दिखाते हैं, श्री ब्रह्मा जी का लोक, श्री विष्णु जी का लोक, श्री शिव जी का लोक, श्री देवी का लोक, ब्रह्मलोक, इंद्र का लोक, और सब ब्रह्मांडों की सतीथी से परिचित करा करके उन पुण्यात्माओं को फिर सचखंड ले जाते हैं सतलोक में, जहाँ परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहते हैं। वहाँ से फिर उनको वापस छोड़ते हैं ताकि ये मेरे एविडेंस बन सकें, मेरी गवाही दे सकें, एविडेंस दे सकें कि कबीर इज गॉड। उनमें से वो किन किन को मिले थे, जैसा कि आप पहले सत्संगों में सुन रहे थे, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के मंत्र 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में ये कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, जरा मीन वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु, के जो बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से ही छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, केवल इसी उद्देश्य से भक्ति साधना करते हैं, वो तत्ब्रह्म से, सारे आध्यात्मिक ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। तो वो तत्ब्रह्म क्या है, कौन है, जिसकी जानकारी होने पर और सारे अध्यात्म के जानकारी होने पर वो प्राणी केवल जरा और मन से ही छूटने के लिए साधना करता है, प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। गीता ज्ञानदाता कहता है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है,
गीता जी 10:4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है कि सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी में आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की जानकारी बहुत विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी है, कबीर वाणी है, जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से आकर बोली है। ब्रह्मणे मुखे, उसमें मूल पाठ में है ब्रह्मणे मुखे, यह इन्होंने अनुवाद गलत किया है, वेद की वाणी कर दिया ब्रह्मणे मुखे का, ये ऐसा नहीं करना था। इसका अर्थ है सच्चिदानंद घनब्रह्म, क्योंकि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में ब्रह्मणे शब्द है, वहाँ इन अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे का अर्थ किया सच्चिदानंद घनब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म जो है वो स्वयं ही यहाँ आता है सतलोक से चलकर, अपने परम धाम से चलकर, शाश्वत स्थान से चलकर, सनातन परम धाम से गति करके वो यहाँ प्रकट होता है, प्यारी आत्माओं को मिलता है और फिर अपने मुखारविंद से उनको ज्ञान से तृप्त करता है। ये वेद गवाही दे रहे हैं और वो लीला परमात्मा ने 600 वर्ष पहले की थी। तो वो परमात्मा जो अपनी सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी में वो अपना यथार्थ ज्ञान देते हैं, ये वेद बता रहे हैं। तो 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराओगे। किसका? उस परम अक्षर ब्रह्म का। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है, और उसके बाद ये बताया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते हैं। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 पुरुषों के बारे में, भगवानों के बारे में जानकारी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का प्रभु है। ये दोनों नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है, केवल जीव आत्मा सभी की अमर है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता जी में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरमावी से विवृति अवैश्वर है, कि वो इन दोनों से अन्य है जो पुरुषोत्तम है, सबसे उत्तम परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके जैसे संसार रूपी वृक्ष के जड़ जो है उससे सबको लाभ होता है, सब पूरे तने को, पूरे वृक्ष को वहीं से आहार होता है, तैसे पूर्ण परमात्मा कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म वो सबका पालक है, सबका उत्पत्ति करता है, वो हम सबका पिता है। अब गीता जी 10:4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। 15वें अध्याय के 4वें श्लोक में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए, उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी सारे झंझट न काट के, उसके पश्चात यानी इस ज्ञान को समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में फिर कहा है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और उसी परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने आत्माओं, अब वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कौन है जो यहाँ आता है, अपनी लीला करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, वो कौन है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? जब वो वहाँ गति करके आता है तो यहाँ कोई किसी रूप में तो अवश्य होगा। अब ज्ञान भी बताता है तो पशु पक्षी तो हो नहीं सकता, वो मनुष्य ही होगा, यानी परमात्मा साकार है, नर आकार है, हमरे ही उपनिहार है, हमारा सृजनहार। जिनको परमात्मा मिला उन महापुरुषों ने कहा कि हमारा सृजनहार हमारे ही उनिहार है, उनिहार माने हमारी शक्ल जैसा है, यानी मानव रूप सदृश है, मनुष्य तुल्य उनका स्वरूप। उन पुण्यात्माओं को जिनको ऋग्वेद मंडल नंबर 9
और सूक्त नंबर 86, मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से 20 में, और भी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8, 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर ये कहा गया है कि वो परमात्मा कबीर देव गति करके बिजली जैसी तीव्रता से, जैसे आकाशीय बिजली गिरती है एकदम सेकंडों में, तो ऐसे इस गति से वो परमात्मा सनातन परम धाम से सचखंड से चलकर गति करके आता है, या अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, उनको ज्ञान देता है। आपको बताया कि 3 सतीथि हैं भगवान की, तो एक रूप में वो सतलोक में रहते हैं सचखंड में, और दूसरे डबल रोल में वो एक शिशु रूप धारण करके लीला करते हैं, तब नीरू और नीमा को बनारस में प्राप्त हुए कलयुग में, वो अच्छी आत्मा को। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मथुरा में वो आए हुए थे साधना करने के उद्देश्य से, परमात्मा की खोज कर रहे थे। हिंदू धर्म जन्म था उनका, पुण्य आत्मा थे, बहुत पैसे वाले धनी थे, और फिर भी मालिक की चार न्यारी थी तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, दृढ़ भक्त थे, अटल थे अपने उस गलत ज्ञान पर, फिर परमात्मा उनसे आकर मिले, उनको समझाया था। आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी हरियाणा के अंदर, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा के अंदर, आदरणीय गीसा साहिब जी को मिले, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में, और उन महापुरुषों ने ठोक कर गवाही दी है कि वो धानक जो काशी में परमात्मा कबीर जी आए थे वो पूर्ण परमात्मा हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म हैं, वो अकाल मूर्त हैं, और शब्द स्वरूपी राम हैं, वही सतपुरख हैं, वही परम अक्षर ब्रह्म कहो, अकाल मूर्त कहो। अब ये कुछ पंथ हैं जो कहते हैं परमात्मा निराकार है, हर नाम देते हैं अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरख। अकाल मूर्त का क्या अर्थ होता है? मूर्ति साकार परमात्मा, यानी मूर्तिमान भगवान, जिसकी मूर्ति का, जिसके शरीर का, स्वरूप का कभी नाश ना हो। और सतपुरुष भी उसी को कहते हैं, अविनाशी प्रभु। और शब्द स्वरूपी राम का अर्थ भी यही है, क्योंकि शब्द का नाश नहीं होता, वो परमात्मा केवल परमेश्वर ही है जो शब्द रूप है, यानी अविनाशी रूप है। अब इन महापुरुषों ने परमात्मा की गवाही दी, इनमें से कुछ एक का उदाहरण देते हैं। तो अब हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि एक परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ने नाम क्लियर किया तो है, लेकिन 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में किया है कि वो कवियम, और यहाँ इतना क्लियर नहीं हो पाया तो वेदों ने उसको क्लियर कर दिया, पवित्र चारों वेदों ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि वो कबीर देव है। हम उसे कबीर देव, हम उसको कबीर देव कहने लगे, वह को हम वह बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, विशेषकर भारतवर्ष में। जो हिंदी पंजाबी भाषी क्षेत्र हैं उनमें वह को वह बोलते हैं, तो हम उसको वह बोल कबीर बोलते थे, कबीर साहेब देव माने भगवान, कबीर कबीर हम कबीर कहने लगे। इन्होंने वेदों के अनुवादकर्ताओं ने उस कबीर देव को कवि बना लिया, कवि। अब उस परमात्मा का नाम कवि है ये समझ लो, हम उसको कबीर कवि बोलन लगे कवि, लेकिन वेदों से ही जैसे कबीर देव है तो हम कबीर देव कहने लगे कबीर देव।